प्रमाण बढ़ा रही। मित्रों, आज हमने विधेयक जो पार्लियामेंट में रखा गया था नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, इसका मूर्त रूप देखकर मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, बहुत बहुत आनंद हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, इसका एक प्रमुख बिंदु है कि देश की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए नए प्रकार के अभ्यासक्रम और यूनिवर्सिटी बनाते हुए देश के युवाओं को देश के विकास के अंदर जोड़ना। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति वो बात के न केवल उद्घोषणा करती है, उसकी परिपूर्ति भी करती है। और नई शिक्षा नीति जो हमारी है वो युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर नॉलेज और स्किल दोनों को प्रदान करने के लिए बहुत बल देती है, इसकी भी यहाँ पर परिपूर्ति हो रही है। मित्रों, ये आप भी ग्रेजुएट हो जा रहे हो राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का स्टेटस भी हमने इसीलिए दिया है कि इससे पूरे देश भर इसकी एक प्रकार की स्वीकार्यता है और देश भर में रीच बढ़ाने में भी कानूनी अड़चन किसी प्रकार से न। और आज सभी राज्यों में विशिष्ट केंद्र और छात्रों को शैक्षिक अवसर देने के लिए भी आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इसको कहेंगे। मेरे लिए आनंद कि 70 से अधिक देशों से और अनेक संगठनों ने हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ 158 से अधिक समझौता ज्ञापन किया है। 70 से अधिक देशों ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को एग्रीमेंट करकर एक प्रकार से अपनी स्वीकृति प्रदान दी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी साथ जितने भी अंग उपांग है, चाहे पुलिस अफसर है, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चाहे जुडिशियरी के काम वाले हमारे मित्र हैं, ये सभी को ट्रेनिंग के।